एक टाइम आया ये तो क्यों लिखे जा रहे हो स्क्रिप्ट के ऊपर? जो एडी था ना एडी वो मेरे स्क्रिप्ट को देखता था, मेरा स्क्रिप्ट लेकर पारस भाई अपना स्क्रिप्ट दीजिएगा। मैंने कहा क्यों? कहता वो जरा काम किया हुआ है ना आप, तो भाई ये तो तेरा काम है कि तू कर उस पे काम। तो आप ही बताएं डेट्स हैं आपके पास? मैं अगर मेरे पास डेट्स दूंगी तो आप मुझे रिजेक्ट कर देंगे। कहेंगे नहीं, मैंने कहा आप पहले मुझे स्क्रिप्ट भेजें, मैं बताऊंगा कि मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा, फिर बाद में डेट्स की बात होगी। कहेंगे नहीं स्क्रिप्ट तो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। बस में हम आते जाते थे, गाड़ियाँ वाड़ी थी नहीं उन लोगों के पास, तो नोटबुक लेके मैंने हर इलाके के मैनरिज्म्स लिखे कि ये अगर अंचोली का लड़का है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज की स्पीड ये है, रेजोनेटर से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, तो दो तीन रेजोनेटर्स को मिल गए। शेयर करते मत करो, लोग बोलेगा पता नहीं क्या। मैंने कहा हाथों नहीं, मेरे सामने से कमर पे हाथ रख के कहती आपको शर्म नहीं आती? आप किस किस्म की शौहर हैं? आप क्या करते हैं? ये वो फलाना हूं करके चली गई। मैं ये कहता हूं कि टिकटॉक से चलो आप एक्सप्रेशन सीख लोगे, और आप कोई बॉडी लैंग्वेज चलो सीख लोगे। मैं पढ़ाता हूं तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टिकटॉक करते हैं। आप दोनों काम में टीवी पे देखा गया कि आप लोग प्रॉपर क्राफ्ट को चीजों को फॉलो करते हैं बहुत हद तक। जैसे आपका वो तोरा खान का कैरेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा संगमरमर का, उस पर माशाल्लाह अवार्ड भी मिला है। वो इस वजह से मिला क्योंकि उसके पीछे मेहनत थी, स्क्रिप्ट को उठा के रख नहीं दिया था, रातों रात बैठ के पढ़ना और फारिग वक्त में पढ़ते रहना, अपनी मोटिवेशंस को उस पर क्लियर करना, अंडरलाइन करना। हम आप हमारा स्क्रिप्ट देखेंगे तो उस पर प्रॉपर काम किया हुआ होता है, जिसको कहते हैं कितना गंदा क्यों किया हुआ है। एक टाइम आया तो क्यों लिखे जा रहे हो स्क्रिप्ट के ऊपर? जो एडी था ना एडी वो मेरे स्क्रिप्ट को देखता था, मेरा स्क्रिप्ट लेकर पारस भाई अपना स्क्रिप्ट दीजिएगा। मैंने कहा क्यों? कहता वो जरा काम किया हुआ है ना आप, इसको भी क्लियर होता है ना, तो भाई ये तो तेरा काम है, तू कर उस पे काम। अब उस बेचारे को पता नहीं बताया नहीं बताया किसी ने, तो मैं ये करता था कि नहीं वो बहुत अच्छा बताते हैं तावलेकम, वो एक नया प्रोजेक्ट है, आप ये हैं आप ये हैं आप ये हैं, आप यहाँ से आएंगे आप वहाँ जाएंगे आप वहाँ जाएंगे, और ऐसा होगा फिर गाने में ऐसा होता है, फिर तीन महीने गुजरते हैं फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, और प्लस बस कपड़े जो है वो तीन सलवार कमीज रख और चार पांच आप ये चीज़ें रख लीजिएगा, और प्लस होती है इंशाल्लाह छह कम। मैंने कहा भाई स्क्रिप्ट कहाँ है? बुरा मानते हैं लोग। हाँ बुरा मान, आपको स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है? सेट पे ही है स्क्रिप्ट, आपको स्क्रिप्ट चाहिए? अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए। पहले तो एक पॉज आता है खामोशी का, ऐसा लगता है कि आप बहुत ही कोई जूनियर बहुत ही कमजोर सी चीज़ नहीं, मतलब आपने कुछ उनको बहुत ही गंदा लफ्ज बोल दिया है ऐसा लगता है। पहले आप स्क्रिप्ट पढ़ा दें फिर मैं बताता हूँ। अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है फिर हम आपको बताते हैं। इसका मतलब ये ना करे, ये नहीं कहता आप अपना नहीं लाएंगे स्क्रिप्ट? क्या हमारे पास तो नहीं है? अभी दो तीन फीचर फिल्म के लिए मुझे बीच में कॉल आई, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा देखें कहा ये रोल है ये है ये है, तो आप ही बताएं डेट्स हैं आपके पास? मैंने कहा अगर मेरे पास डेट्स होंगी तो आप मुझे रिजेक्ट कर देंगे। कहेंगे नहीं, मैंने कहा आप पहले मुझे स्क्रिप्ट भेजें, मैं बताऊंगा कि मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा, फिर बाद में डेट्स की बात होगी। कहेंगे नहीं स्क्रिप्ट तो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। मैंने हाँ स्क्रिप्ट तो शेयर नहीं होगा, आप लेके भाग जाएंगे। हाँ आप फिल्म से स्क्रिप्ट शेयर नहीं होगा। मैंने कहा दुनिया जहान में होता है कि आप एक्टर को स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए देते हैं तो आप उससे एक NDA साइन करवा लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक एक्टर बाउंड हो जाता है कि उस कहानी को उस स्क्रीन प्ले को कहीं शेयर ना करें। मैंने कहा आप उसे NDA साइन करवा लें आप। कहेंगे नहीं नहीं हमारी कहानी आउट हो जाएगी। मैंने कहा सॉरी, फिर मतलब कि अभी जो एवोल्यूशन है हमारा अभी यहाँ तक है, सही, तो कि हम स्क्रिप्ट जिसको ऑफर कर रहे हैं हम अभी ये तक नहीं चाहते कि उस तक फीचर फिल्म के अंदर हमारा स्क्रिप्ट वहाँ पहुँचे। अच्छा अच्छा एक बात और, अभी जब बात हो रही थी कि स्क्रिप्ट पे काम करना वो सारी चीज़ें, तो हम अभी परफ्यूम चौक की बात कर रहे थे, तो उसमें आप दोनों ने कैरेक्टर प्रॉपर, आप कसाई बने हुए थे उसमें और आप परफ्यूम बेचते थे, तो आपकी जो एक बॉडी लैंग्वेज और आपके बड़े बाल और पारस भाई की भी बड़ी बड़ी मूछें थी उस वक्त, बड़े बाल थे, तो उस पर कितना काम किया कैरेक्टर पर? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे बैक स्टोरी नहीं पता, बट वो काम शायद आपका शुरू का बड़ा काम होगा एक, जिसमें प्रॉपर हर एपिसोड में हर सीन में आप लोग होते थे और ड्राइव कर रहे थे पूरे ड्रामे। खुशकिस्मती ये थी उस सोप की के जो लोग थे उसमें इन्वॉल्व वो सारे थिएटर से वाबस्ता रहे कहीं ना कहीं, जैसे खुर्रम अब्बास जो हैं जो राइटर थे वो खुद थिएटर करते रहे थे, एहतशामुद्दीन जो डायरेक्टर थे वो खुद थिएटर के आर्टिस्ट रहे, और बाकी जितने भी उसमें शहजाद रजा साहब और राशिद फारूकी और सलीम महराज साहब और अपना मरहूम काजी वाजिद साहब, ठीक है, ये सब थिएटर के क्राफ्टेड लोग थे, सही है। तो उन्होंने पहले हमें स्क्रिप्ट पढ़ाया, उनकी ब्रीफिंग्स दी, फिर हमने खूब सारी रिसर्च की, फिर जैसे मुझे किरदार जो मिला कसाई का, तो मैं उन इलाकों में गया
उन लोगों से मिला जुला, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे उठते बैठते हैं, गोश्त काटने का क्या तरीकेकार है, मुंह में गुटका छालियां रखनी है और बात करने का एक स्लैंग तरीका, वो सारी चीजें। और फिर होलिया खासतौर पे मैंने देखा एक लड़के के ऐसे ऐसे लंबे ऐसे बाल मूछें रखी हुई है उसने, और फुल उसका बछिया गिराना उसका ये वो फुल। ऑब्वियसली हम वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं अपने, क्योंकि हमें आदत थी, हमें यहाँ से जब हम रिहर्सल्स करके और थिएटर की सारी चीज़ें तालीम लेके हम निकले थे तो हमारे मसल्स भी वैसे ही बने हुए थे। और फिर वो भी अप्रिशिएट करते थे जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, और खालिद अहमद साहब वो प्रोड्यूसर थे एक तरह से उस प्रोडक्शन के, तो हमें एक मिला कि हम भरपूर अपने किरदारों पे काम कर सके। एंजॉय किया होगा, खूब एंजॉय किया। इसने तो क्या किरदार बनाया था, चले ऐसे ही बताएं किरदार भाई मुझे। ना ऐसे थोड़ी किया था, चलो वो दोबारा ऐसे करते हैं भाई। मुझे ऑफर हुई, मैंने पढ़ा और प्लस जब मैंने देखा मैंने कहा ये किरदार तो अच्छा। उस वक्त जो मेरा कैरेक्टर था उसका एपिसोड के अंदर एक सीन था, लेकिन मेरे लिए वो एक सीन भी बहुत था। हर एपिसोड के अंदर एक या दो सीन्स थे, तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको डेवलप करूँगा किसी ना किसी तरीके से। तो मैंने तकरीबन 20 से 30 एपिसोड जो थे वो, इनकी सबसे अच्छी बात यही थी एहतशाम भाई की, खालिद अहमद साहब की, ये इन्होंने स्क्रिप्ट दिए, इन्होंने कहा जाओ जाके तैयार हो, जो वार्डरोब लेनी है देखो जाओ फिर हमें आके बताना। तो मैं हमारी यहाँ चूँकि ट्रेनिंग में एक जो फॉर्मल ट्रेनिंग होती है एक्टिंग की, तो एक्टर्स की एक नोटबुक होती है जो कि उसके पास हमेशा रहती है। अब पहले पेपर की फॉर्म में थी, अब तो सेलफोन्स के अंदर इतनी सारी नोटबुक्स आ गई हैं, तो ऑडियो के अंदर भी आप अपने नोट्स ले सकते हैं। तो मैंने एक नोटबुक बकायदा जाके ख़रीदी मैंने 50 रुपये की, तो वो नोटबुक ली, उसके बाद फिर मैंने उसकी पूरी प्रोफाइलिंग करनी शुरू की, उसकी फ़िज़िकल प्रोफाइल, उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। तो मैं जब मैंने पूरा पढ़ा तो नाम मुझे बड़ा आवामी सा लगा कि यार ये एक ऐसा नाम है जिससे आपका मिडिल क्लास, अपर मिडिल और लोअर मिडिल ये सब कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं उससे पहले ट्रैवल कर चुका था तो पूरे पाकिस्तान में हर जगह कहीं ना कहीं लिखा हुआ भी है। सही है, परफ्यूम चौक जो है वो हर जगह लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो वो मेरी मेमोरी के अंदर ही तमाम चीज़ें थी। तो मैंने कहा अगर मैं कोई ऐसा ख़ुद से कोई किरदार या भले किसी एक इंसान को देख के किरदार डेवलप कर लूँगा तो वो एक होगा, लेकिन मैं जो मेरे दिमाग में था वो ये था कि सब रिलेट करें। तो सब रिलेट करने के लिए मैं गोली मार भी गया, मैं लालू खेत भी गया, और डायरी उस वक्त हुडीज़ होती थी हम लोगों के पास, हुडीज़ हम मुझे तो शौक है हुडीज़ का, तो गोली मार गया, अंचोली गया, फेडरल बी एरिया, आपका रणछोड़ लाइन, टावर, बस में हम आते जाते थे, गाड़ियाँ वाड़ी थी नहीं हम लोगों के पास। तो नोटबुक लेके मैंने हर इलाके के मैनरिज्म्स लिखे कि ये अगर अंचोली का लड़का है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज की स्पीड ये है, और न्यू कराची में अगर ये इंसान है तो उसकी वोकल कॉर्ड्स ये हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हर इलाके के यूथ के जो ट्रेड गुलिस्तान जौहर, हर इलाके के यूथ के ट्रेड्स उठाए, उनके फिजिकल ट्रेड्स उठाए, उनके साइकोलॉजिकल ट्रेड्स उठाए, और उनकी स्पीच के ट्रेड्स उठाए, उनकी स्पीच के ट्रेड्स, फिजिकल ट्रेड्स, साइकोलॉजिकल ट्रेड्स, ये उठा के मैंने कोशिश की कि इससे कुछ प्रोड्यूस करता हूँ, कि कुछ साउंड एक अलग प्रोड्यूस की। इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी तेज थी उसकी बॉडी लैंग्वेज, दूसरे लोगों के ज़्यादा झटके थे हल्के से, तो वो इंस्पिरेशन थी। जिस तरह आप बसेस के अंदर देखते हैं जो हमारे लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके पास वक्त कम होता है और ज़िंदगी में काम बहुत सारा करने का होता है, तो इसलिए उनकी जो चीज़ें जो होती हैं ना वो फास्ट, वो तेज रैपिड होती हैं, वो तेज होती हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जो थी अगर मैं ऐसी रखूँगा तो लोग रिलेट करेंगे, तो वो जो काइंड ऑफ एक अर्जेंसी जो है वो फिर स्पीच के अंदर भी आई, प्लस वो साउंड जिस तरह हमारे वोकल कॉर्ड्स के 3-4 रेजोनेटर से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, तो 2-3 रेजोनेटर्स को मिलके दो तीन जगहों को मैंने मिक्स किया तो एक साउंड का एक फ्यूजन, अम्मा ऊपर एक और झान लो, तो ये तीन रेजोनेटर्स हैं। वो डायलॉग तो बोला ना, क्या कहते हैं डायलॉग बोला, अम्मा ऊपर एक और झानम बना के क्या करोगी, अम्मा ऊपर एक और झानम बना के क्या करूँ, तो ये 3-4 रेजोनेटर्स एक साथ हैं। तो बॉडी लैंग्वेज और प्लस बाल लंबे थे और प्लस उसका जो इंटेलेक्ट था, तो इंटेलेक्ट था वो पूरा ठीक है, लेकिन चूंकि उसके पास विट था ना, वो एक उसके पास एक विट भी थी, कॉमिक टाइमिंग थी, वो बड़ी जबरदस्त थी, तो वो प्लस वो एक जब मैं तैयारी वैयारी कर ली घर पे रिहर्सल्स वगैरह की, तो उस वक्त मैं अपने मामू के साथ मैं रहता था तो कमरा बंद करके मैं रिहर्सल्स करता था,
तो वो रिहर्सल्स करने के बाद फिर मैं सेट पे आया, तो पहला दिन था वो रोज़े का था। अच्छा। रमज़ान था और मेरा नया नया एक्सपीरियंस के रोज़ों में एक्टिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, तो पहले दिन तो मुझसे नहीं हुई, सही कि मुझसे हो नहीं रहा था, मैंने सब डेवलप किया हुआ था। फिर मुझे डायरेक्टर ने कहा अच्छा महीने का कि भाई देख लो रोज़े में तुमसे हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर नहीं तो हम देख लें। कह दिया था मैंने नहीं तो हम देख लें। फिर मैं घर गया और मेरा साथ एक मसला है, मैं खुद को गालियाँ देता हूँ। मैं कहना इतना कुछ किया है तुमने, तुम्हारी ऐसी की तैसी कल करके दिखाओगे तुम ये करोगे तुम वो करोगे। आईने के सामने जो हम लोगों को एक एक्सरसाइज करवाई गई है कि खुद को गालियाँ देनी, खुद को चैलेंज करना है। आप मोस्टली खुद के ही बीच में आप आए हुए होते हैं, इसलिए आप कहीं मूव नहीं कर पाते। तो खुद को खुद के बीच से हटाना था, तो जैसे ही वो उस दिन वो मैंने एक्सरसाइज की वो, तो खुद को खुद के बीच से हटाया, तो अगले दिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं परफॉर्म, तो वो पैचेस में शूट्स हो रही थी, कुछ एपिसोड्स इधर थे, कुछ सीन्स यहाँ और वो सेट लगा होता है। हाँ, तो पैचेस में हुआ, तो मैंने डेली ये करना शुरू किया, मैंने पूरा कैरेक्टर तो डेवलप कर लिया था, तो जो मैंने कर दिया परफॉर्म उसको मैंने मेमोरी में रखना शुरू कर दिया था। तो जब भी कोई सीन होता तो मैं उसे जो मैंने पहले परफॉर्म किया था मैं उसको रिकॉल करना शुरू हो गया। तो वो रिकॉल करते 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 वो चूंकि रिहर्सल्स नहीं थी 3 महीने वाली, तो मुझे और मेरे साथ प्रॉब्लम वो थी कि मुझे वो वाला माहौल चाहिए कि मैं रिहर्सल्स करके इसको पक्का कर लूँ। तो वो एपिसोड्स होते गए और वो पक्का होता गया, तो फिर वो और ये आई थिंक 2009 फिर एक लाइन से फिर वो सीन्स मेरे बढ़ने शुरू हुए। हाँ, फिर उसके बाद और फिर सीन्स आपके बढ़ा दिए गए। बढ़ा दिए थे। ओके, सीन्स बढ़ा दिए थे, लाइंस बढ़ा दिए। 50% ऑफ द ऑडियंस वाज बिकॉज़ ऑफ अली रिज़ा, फरीद फारिया। फरीद फारिया और लोग दीवाने थे इस किरदार के। फिर तो और ये भी है कि बाद में तो ये ऐसे हो गए कि ये तो फिर किसी को देखते भी नहीं थे सीन के वक्त, मतलब ये आगे ऐसे भाई तू थोड़ा हल्का हो जा, कॉन्फिडेंट था क्या बात है भाई, कट हो गया। मतलब एक मुझे याद है सीन में हमें कोई खुशखबरी आती है तो हमें नाचना होता है, तो हम नाच रहे हैं ये सब को हटा के ना आगे आगे नाच रहे हैं। मैंने कहा यार अली कवर क्यों कर रहा है तू, मुझे भी तो नाचने दे। मैं भी कैमरे में आ जाऊं, मतलब ये इतना कोई मतलब खतरनाक लीथल एक्टर है भाई, इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। अच्छा भारत भाई, अली भाई अब तो स्ट्रगलिंग फेज से निकल गए माशाल्लाह, बड़ी रिकग्निशन अब मिलने लग गई है और लोग नहीं मतलब लोग पहचानने लगे हैं, कभी इस चीज़ का एज एन एक्टर फायदा उठाया कभी रास्ते में पुलिस ने रोका हो या कभी कुछ खरीदारी करने गया हूँ किसी शॉप पे कुछ तो भाई एक्टर हूँ कुछ कंसेशन वगैरह ऐसा कुछ हुआ? नहीं, फायदा नहीं उठाया। नहीं कभी एक्टर होने का फायदा? मैंने कुछ एक्टर्स को देखा है वो बहुत फायदा उठाते हैं। मतलब मेरे साथ तो एक ऐसा भी हुआ, भी रिसेंटली हुआ, अगर आप बता दे पुलिस जैसे कभी रात को चेकिंग हो रही होती है, आप लेट नाइट शूट से जा रहे हो तो इवन थोड़ा मेकअप भी लगा हुआ होता है, तो एक बार ये हुआ कि और आप बता दें कि आप एक्टर हैं, अब जाहिर है हम नुमान एजाज साहब तो नहीं है, हम शब्बीर जान तो नहीं है कि देखते ही बंदा पहचान ले, क्योंकि वो इन्होंने इतना टाइम गुजारा है, अभी हम स्ट्रगलिंग फेज में ही हैं, हम इस्टेब्लिश नहीं हो सके अभी तक, यहाँ मसले अंडर रेटेड है, अली रिज़वी भी मैं भी अंडर रेटेड हूँ, मतलब हमें जितना काम मिलना चाहिए मैं समझता हूँ उतना हमें अभी नहीं मिल रहा, जिन किरदारों में हमें देखना चाहिए, देखा जाना चाहिए, कास्ट किया जाना चाहिए, उसमें अभी मामला नहीं है, तो स्टिल वी आर अच्छा ऑडियंस चाहती है कि हम आए, ऑडियंस बिल्कुल देखना चाहती है, जो फीडबैक पर चलते हैं आप जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार आप क्यों नहीं आते ज्यादा, बिल्कुल क्या जवाब होता है? ये बात आप हमें नहीं होने बोले। नहीं देखिए आजकल कास्टिंग का क्राइटेरिया सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, ब्लू टिक है कि नहीं है, तो इस चीज को लेकिन उससे पहले जो बात थी पुलिस के रोकने वाली, अगर आप पुलिस रोके और आप ये बता दें कि मैं अदाकार हूं तो ऊपर से नीचे देखेंगे, अच्छा जरा साइड में लगाएं ऊपर नीचे, हां कोई इज्जत नहीं है, आपको उतारेंगे नीचे चेकिंग करेंगे। एक बार ऐसे मेरे पास पाउच होता है जिसमें मेरा मेकअप का सामान होता है, मैं मेकअप अपना खुद ही करता हूं, तो जिप खोल के यूं देख रहा है साहब जी इसमें मेकअप है, वो समझा कि मैं कुछ और काम करता हूँ। मैंने कहा भाई दाढ़ी तो देख ले, क्या काम करूंगा मैं, अदाकार हूँ बोल रहा हूँ, स्क्रिप्ट देख, कपड़े देख, चीजें कौन से चैनल पे आते हैं ड्रामे, मैंने कहा आप देखते हैं क्या? कहता है नहीं, मैं तो आप घर पे जाके अपनी बेगम से पूछिएगा कि पारस मसरूर कौन है, वो फलां ड्रामे में आ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से जान छोड़ानी पड़ती है, फिर वो थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं आपसे फिर छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते, आप उनको बता दें कि आप अदाकार हैं तो उस पे पहले आपके फुल मजे लेंगे, जबरदस्ती चेकिंग भी करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। अच्छा जो जर्नल पब्लिक मिलती है, एक छोटा सा वाक्य मैं भी थोड़ा सा बता दूं जरा ना, एक दो एक्टिंग मैंने भी की है, तो मैंने एक ड्रामा किया था उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था और मैं विलन था उसमें ना, तो जो मेन लीड पे लड़की थी उसके ऑपोजिट, तो जब कर लिया ड्रामा ऑन एयर हो गया एक चैनल पे चला और मैं एक मॉल से बाहर निकल रहा था, तो एक आंटी मेरे पास आई और मुझे ऊपर से नीचे तक देखती हैं, अब सर्दियों के दिन थे और जरा क्रिट शर्ट में हम घूम रहे थे, अपर पहन के उसमें हम कुर्ता शलवार पहने हुए थे,
आप इतने अच्छे हैं, आप उस लड़की पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा वो जुल्म करने के पैसे मिल रहे थे मुझे, तो मैंने कर लिया। मैंने कहा एक्टिंग होती है तो समझाना पड़ता है उनको, तो कभी ऐसा हुआ कि मिल जाए और अजीब अजीब से सवाल कर ले? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं चाय शाय ऐसे होटल पे बैठा था, बाकी भी हमारी फ्रेटर्निटी के और भी एक्टर्स लोग बैठे हुए थे, तो अचानक एक खातून आई मेरे सामने से कमर पे, मैंने ये और भी इंटरव्यूज में बताया, से कमर पे हाथ रख के कहती आपको शर्म नहीं आती, आप किस किस्म के शौहर हैं, आप क्या करते हैं, ये वो फलाना हूँ करके चली गई। पीछे उनका शौहर ऐसे गोद में बच्चे लेके, सीरियस हो जाती हैं आप लोग, काम ही इतना अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया, ऐसे बोल के ढेप पिटा के चला गया। बोले जवाब तो लेती जाए थोड़ा सा। ओ भाई मैं यूं यूं कर रहा हूँ, फिर बाकी लोगों ने मेरी थोड़ी हौसला अफजाई की, बोला यार ये तुम्हारी तारीफ हुई है इसको तुम गलत मत समझो। मैंने कहा हाँ बस क्या करें। आपके साथ दो तीन मरतबा हुआ है कभी? मेरे साथ ये है कि लोग करेक्टर्स के नाम याद उन्हें रह जाते हैं, तो फरीद वाला जो था, फरीद कई मरतबा कहते थे। अभी रिसेंटली मैंने एक प्ले किया था, उसके अंदर पत्नी ना दानिस्ता तौर पे वो गलती हो गई थी, और वो उस गलती को ज़्यादा देखा भी नहीं इसलिए वो चली गई। तो मेरा नाम था उसमें मीम वाओ नून सीन, क्या पढ़ेंगे इसे, मोनिस। अब मैं तैयारी वैयारी करके गया मैं सेट पैट के ऊपर, और वो सारे के सारे अच्छे सीनियर एक्टर्स थे उसके अंदर। तो जैसे सीन वगैरह शुरू हुआ तो मोनिस ही नाम है, जिस तरह आप कराची में हैं सिंध में हैं तो मीम वाओ नून सीन मोनिस पढ़ेंगे। अगर आपने कराची से बाहर भी चले जाना है तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से डायलेक्ट चेंज होता है, तो इन्फ्लेक्शन जो होते हैं वो जेर ज़बर में मोनस हो जाएगा, ठीक है? तो ये गलतुल आम में ये चलेगा, ठीक है, मोना से इधर मोने से। लेकिन जब सेट पे हम लोग गए तो सीन शुरू हुआ तो अचानक से मुझे किसी ने कहा कि मोनस इधर आओ, मोनस। मैं मुझे लगा झटका, और कोई जूनियर कोई एक ऐसा जिस तरह मुख्तलिफ स्कूल से लोग बच्चे पढ़ जो नए बच्चे बच्चियाँ पढ़ कर आते हैं तो अंग्रेज़ी की उनकी ज़्यादा वो होती है और उर्दू उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो भी नहीं था और काफ़ी सीरियस उसके अंदर। जब उन्होंने कहा मोनस इधर आओ, और वो एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, तीन दिन गुजरा, चार दिन गुजरे, अच्छा मैंने चूँकि वो बहुत सीनियर है और मैं हमारी तरबियत ऐसी है कि आप किसी को एक्सक्यूज़ मी ऐसे नहीं ऐसे होता है, वो तरबियत में भी नहीं है। एक तो नापा की तरबियत में भी नहीं है कि आपने अपने सीनियर से किस तरह बात करनी है, और घर की तरबियत में भी नहीं है। तो मैंने कोशिश ये की कि इन्हें समझाऊँ कि आपका जो डिक्शन है, तलफ़ुज़ है, वो गलत है। तो मैंने एक तरीका चूज़ किया जो मेरा हमारा एडी था, मैंने उसे कई मरतबा कहा, मैंने कहा यार मोनिस के जूते लेकर आओ, वो सामने बैठे हुए, मैं कहा मोनिस की शर्ट ले आओ, मोनिस क्या पहन रहा है सीन के अंदर। और मैं डेलिबरेटली जानबूझ के सही तलफ़ुज़ में बात कर रहा था ताकि वो सुन लें। और मैं 2 से 3 हफ्ते तक मैं ये करता रहा। एक सीन बीच में ऐसा आया कि पूरा ख़ानदान जमा है, सही है, अब उस टेबल के ऊपर सब मौजूद है, अब जो नाम लिया जा रहा है मोन्स, तो इस किस्म की जब चीजें निकली तो मैंने अपनी एक हद तक कोशिश की, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पे मैं नहीं गया किसी के भी साथ, जो कि मुझे लगता है कि मैं छोटा हूं, अभी वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस के अंदर ही बड़े हैं, तो वो मैंने बात नहीं की। अब ये चीज़ हो गई, रिकॉर्ड हो गई और ये ऑन एयर अब चला गया। ऑन एयर चला गया तो मोनस पूरे सीरियल के अंदर मोनस चल रहा है। और प्लस फिर मैं इत्तेफाक ये हुआ कि मैं अपनी फैमिली के साथ मैं लकी मॉल गया वहाँ पे शॉपिंग के लिए, तो शॉपिंग पे था, 3-4 लड़के खड़े हुए थे सेकंड फ्लोर के ऊपर, तो पीछे से आवाज़ लगी मोनस। मैंने फैमिली को बोला, मैंने कहा एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, मैंने पीछे टर्न किया, मैंने कहा हाँ तेरा मुजक्कर कहाँ है? तो पार्थ अली भाई, आजकल सोशल मीडिया हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग टिकटॉक बना रहे हैं, उससे टीवी पर आ रहे हैं, फिर आपकी कास्टिंग भी इस बेस पे होती है कि इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, ब्लू टिक लगा है कि नहीं लगा, और फिर सोशल मीडिया पे आम आवाम जो है वो ट्रोलिंग का भी बड़ा कल्चर है कि कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है तो उस पर मीम्स बनना शुरू, ट्रोल होना शुरू, तो एक्टर्स की भी लाइफ इससे बड़ी अफेक्ट होती है, बड़े लोगों के बारे में बातें बनती हैं, तो इस सारे सिनेरियो को, सब चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं, आपका क्या राय इसके बारे में? हम ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते बहुत दूर देखते हैं, इसका मतलब करीब नहीं पहुँचे,
बड़े लोगों की बातें कर रहे हैं आप। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये खरीदी जा सकती हैं और सारे लोगों ने खरीदी भी ही हैं। जैसा मेरे पास भी आए दिन, अभी दो दिन पहले ही मेरे पास एक पीआर से एक इंडिविजुअल लड़के की तरफ से उसने मुझे पूरा भाव लिख के सेंड किया, 5,000 फॉलोवर्स इतने रुपए किलो, 10,000 फॉलोवर्स इतने रुपए किलो, 1,00,000 फॉलोवर्स इतने रुपए किलो, अच्छा ठीक है, और आपका 1,000,000 फॉलोवर्स सही है इसमें आप काइंड ऑफ आपकी एक अच्छी डील आप उसके अंदर आप कट कर लें। तो मैंने उससे पूछा, मैंने उससे एक सवाल पूछा, जिंदा या मुर्दा? गोस्ट फॉलोअर्स, गोस्ट फॉलोअर्स। 1,000,000 फॉलोअर लेके बैठे हैं फॉलोअर्स और पोस्ट लगा रहे हैं तो 165 लाइक। अब आप फर्क देखें, वो है 1,000,000 फॉलोअर पे आपका 165 लाइक, ये मतलब ये मजाक है। सीरियसली हमारे 650 भी अच्छे हैं, ऑर्गेनिक है ना, मतलब मैंने भी कभी इस चीज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन बाय द टाइम जो हम देख रहे हैं कि जितनी भी कमर्शियल एजेंसीज हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, वो इंस्टाग्राम देखते हैं और उस पर देखते हैं फॉलोअर्स कितने हैं। अब काम आता वो तो खरीदे जा सकते हैं, तो वही क्राफ्ट वाली बात है, क्राफ्ट तो कहीं पीछे रह गया ना फिर आपका, आपका ये नहीं, देखो एक तो क्राफ्ट है, हां क्राफ्ट तो ऑब्वियसली रह गया पीछे, लेकिन ये जोक तो देखो सबको पता है फॉलोवर्स खरीदे जा सकते हैं, सबको पता है, फिर भी जो झूठ है उसी को देख के प्रोसेस को उन्होंने अलाइव रखा हुआ। और ये बड़ी इनसेन एक बात समझ लो, जो पैसा खर्च कर रहा है उसे भी पता है कि एक बंदे ने झूठे फॉलोवर्स परचेज किए हैं, मतलब उसके उसमें कुछ ऑर्गेनिक भी हैं, कुछ लोग हैं, कुछ एक्टर्स हैं उन्होंने नहीं किए हैं और उनके बाकायदा फॉलोवर्स हैं और जेन्युइन हैं, उनके रिस्पांस, उनके इंगेजमेंट रेट से आपको मालूम हो जाता है कि अगर ये किसी के 3,00,000 फॉलोवर्स हैं तो वो कितना लोग उसके साथ एंगेज हुए हैं और कितना लोग रिस्पांस दे रहे हैं, और रिस्पांस पता चलता है जब वो लाइव चले जाएं कभी, हां रिस्पांस रेट से मालूम हो जाता है। बिल्कुल, तो आपके 1,000,000 हैं और आपके लाइक्स आ रहे हैं 100, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो खरीदे हुए मुर्दे फॉलोवर्स खरीदे हैं, उनके अंदर खुद ही नहीं है वो, कंप्यूटर जनरेटेड बॉट्स हैं वो। पारस भाई टिकटॉक पे हैं? हाँ, टिकटॉक मैंने म्यूजिकली था जब मैंने बनाया था बच्चों के लिए, ऐसे ही तफरी करने के लिए, तो मैंने कुछ शुरू में बनाए थे और मतलब हम तो बना सकते हैं यार, हम तो एक्टर्स हैं, हमने तो प्रॉपर इस चीज़ को परसू किया है, अपने कैरियर को एज एन एक्टर हम लेकर चल रहे हैं, तो टिकटॉक हम तो बना सकते हैं। बिल्कुल, और ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं मुझे लगता है। हाँ, मतलब ये है, हम पे तो बनता है कि हम बना सकते हैं, मतलब पहले डब मैश आया था उस पर भी और बड़े बड़े अदाकारों ने भी बनाया, लेकिन अब मामला चेंज हो गए हैं। अब दूध वाला जो है वो टिकटॉक बना रहा है, वो दर्जी टिकटॉक बना रहा है, मौलवी साहब भी टिकटॉक बना रहे हैं, और वो और फिर माशाल्लाह ईद की टेलीफिल्म में आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऑगमेंट है, वो भी ठीक है, अगर वो बना रहा है उसकी जिंदगी है, उसके पास एक टूल है, उसके पास मोबाइल है, वो उसकी जिंदगी का एक एक्सप्रेशन है, सही है, वो अपने आप को कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो उसके पास ये एक टूल है, एक चीज़ है जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी एनर्जी का एक आउटलेट है। लेकिन अगर आप बात करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की, आप बात करते हैं वेब सीरीज़ की, आप बात करते हैं सिनेमा की, आप बात करते हैं फिल्म मेकिंग की, आप बात करते हैं ड्रामों की, जो कि एक प्रॉपर इंडस्ट्री है और एक्सपेक्ट यही किया जाता है, यहाँ पे जो लोग हैं वो सुप्रीम हैं, समझते हैं सुप्रीम हैं, वो आम आवाम से थोड़ा बेहतर उनका इंटेलेक्ट है, इसीलिए वो कहानियाँ बनाते हैं जिनको देखने के बाद आवाम ने बेहतर होना है। सही, ठीक है, तो जब आप इतने बड़े डिकोरम के साथ आप जब ये आप इतना बड़ा तामझाम लेकर बैठे हुए हैं तो फिर आपसे एक्सपेक्ट भी वही किया जाता है। तो जब आप टिकटॉक की तरफ इनका इन्फ्लुएंस होता है तो बेसिकली बेचारे टिकटॉक वालों का कसूर ही नहीं है, वो तो उनका एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, वो तो उनकी जिंदगी का एक आउटलेट है, वो एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान में सिवाय खाने के और कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है, ठीक है ना, कि और कोई अम्यूजमेंट कुछ भी नहीं है, तो या तो खाएंगे या फिर टिकटॉक करेंगे। लेकिन अब कमर्शियलिज्म में और कमर्शियल इंडस्ट्री में तो वो यही देखते हैं कि भाई किसके फॉलोवर्स ज्यादा हैं, इसको ज्यादा देखा जा रहा है तो इसी को ड्रामे में ले लो, तो हाँ इस तरफ उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो उनका है जो उनको हायर करते हैं उन बेचारों में, कोई जो मुझे लगता है मैं ये कहता हूँ कि टिकटॉक से चलो आप एक्सप्रेशन सीख लोगे और आप कोई बॉडी लैंग्वेज चलो सीख लोगे, दूसरों के कहे हुए डायलॉग्स पे अदाकारी करना आसान है बनिस्बत इसके कि खुद डायलॉग डिलीवरी देना वैसी जैसी रिक्वायर्ड है। आप बड़े बड़े अदाकारों के डायलॉग्स पे जो है वो शक्लें बना बना के कर रहे हो, तो लेकिन जब आप स्क्रीन पे आओगे तो आप क्या करोगे, जब बड़े बड़े मोनोलॉग्स 2 घंटे के लिए परफॉर्म करना है आपको, पूरा सीरियल परफॉर्म करना है, तो लेकिन जो हमारा सेटअप है मुझे लगता है वो भी चल जाएगा। लेकिन अभी एक और चीज है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, यहाँ पे एक्टिंग का क्राफ्ट पढ़ाया जा रहा है, या आर्ट्स काउंसिल में एक्टिंग का क्राफ्ट पढ़ाया जा रहा है, मैं वहाँ फैकल्टी में हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टिकटॉकर्स हैं. सही. तो वो क्यों आए हैं फिर मेरे पास पढ़ने के लिए, हमारे पास क्यों आ रहे हैं पढ़ने के लिए? इसलिए कि उनको पता चला अल्टीमेटली कि नहीं, सिर्फ टिकटॉक बनाने से काम नहीं चलेगा, परफॉर्म करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ेगा, सीखना पड़ता है कि बोलते कैसे हैं, लाइन को समझते कैसे हैं, डायलॉग्स को कैसे रेंडर किया जाता है. सही. तो ये सारी चीजें टिकटॉक तो नहीं सिखा सकता. 30 सेकंड की एक्टिंग में, 10 सेकंड 10 सेकंड की एक्टिंग में और 10 घंटे की एक्टिंग में बड़ा फर्क है. बिल्कुल फर्क है. अच्छा, एक थोड़ा सा हटके सवाल है इस टॉपिक से. इंडस्ट्री में किसी एक्टर से जब आप मिलते हैं, हमें हमारे भी आपस में दोस्त यार हैं, तो पेमेंट्स का बड़ा इशू है. बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो वक्त पे पेमेंट कर देते हैं, बहुत से हैं जो रोक लेते हैं. अब बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जो बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे, एक प्रोजेक्ट किया बीच में उनका गैप आ जाता है 1.5 महीने का, तो उनको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए सिर्फ एक्टिंग ही है और कोई काम वो नहीं कर रहा. तो पेमेंट्स के इशूज़ आप क्या समझते हैं, या ये ऐसे रूमर है कि मतलब हाँ रोकते हैं? हद से ज़्यादा हैं, मिस कमिटमेंट्स हैं. मतलब मेरे ही 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पैसे मुझे 8-8 महीने के बाद मिले, और मैं अपने घर का वाइस फाइनेंसर हूँ मैं. ठीक है, और मुझसे गलती भी ये हो गई है कि मैंने इस काम को इतनी इज्जत दी कि मैं पढ़ने चला गया. मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं इंजीनियर नहीं बना, और प्लस मैं इस काम को मैंने पढ़ा, प्रॉपर ग्रेजुएट हुआ, और प्लस फील्ड में आया. और प्लस जिस तरह अगर बैंकिंग की फील्ड में होता तो एक मंथली आपका एक सेटअप बना होता है, वो पूरी रिलैक्स होता है, माइंड रिलैक्स होता है आपका. तो ये प्रॉब्लम हुई और आज भी है. अभी एक प्रोडक्शन हाउस है, नाम नहीं ले रहा मैं उसका, लेकिन उन मेरे 6-7 दिन की पेमेंट है उनके ऊपर, जो क्या वो कहते हैं कि आपके पैसे हम दे चुके हैं, आपकी कोई पेमेंट नहीं है. ओके. तो हाँ, आपकी कोई पेमेंट हमारे पास बनती ही नहीं है, जबकि मेरे पास डेट्स हैं, मेरे पास तमाम चीज़ें भी हैं. मैंने उन्हें कहा भी कि ये है, कहेगा नहीं हम दे चुके हैं, ये कोई डेट्स वेट्स किसी ने आके पीछे कर दी है. एक जगह 2 दिन का मैंने काम किया था, वो 2 दिन की पेमेंट थी, गेस्ट अपीयरेंस थी, तो 2 दिन के पैसे जो थे उन्होंने मुझे 7-8 महीने में दिए, और वो भी आधे करके दिए. उन्होंने कहा कि वर्बल जो आपसे बात हुई थी कॉन्ट्रैक्ट करने में, एक तो इतना टाइम लगाया, दूसरा हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें एक्टर कहीं ना किसी भी तरीके से सेफ गार्ड नहीं होता. सही. जो कॉन्ट्रैक्ट ही उल्टे हुए होते हैं उनके, इसमें एक पार्टी कहती है कि तुम इस तरह होगे, ये काम करोगे, और सारी की सारी उसमें जो शिकें वो सिर्फ उनके राइट्स को सेफ गार्ड करती हैं, एक्टर के राइट को सेफ गार्ड कर ही नहीं सकती. और एक्टर बेचारा हमारे यहाँ इतना मजबूर होता है, जो कि वर्किंग क्लास एक्टर है, एक वो है जिसे जरूरत ही नहीं है, वो करे ना करे, बाबा का पैसा, मामा का पैसा, घर है, तमाम चीजें, तो उनको जरूरत नहीं है. वो सिर्फ काइंड ऑफ अपनी एक लाइफ का हॉबी है, लाइफ में बोर हो रहे हैं, बोर्डम है, तो इन तमाम चीजों, जब उनको पैसों की जरूरत नहीं है तो उनके लिए तमाम चीजें वैल्यू और मैटर नहीं करती. तो वो जो वर्किंग क्लास एक्टर है जो चाहते ही इस चीज को, जिन्होंने एज अ करियर जो इसको परसू किया, एज अ करियर चूज किया इस चीज को, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके राइट्स को भी सेफ गार्ड किया जाए. तो अभी हम वहां नहीं गए कि एक्टर्स के राइट के ऊपर बात हो जाए, एक्टर्स के राइट्स को सेफ गार्ड किया जाए, कोई एक ऐसी एसोसिएशन हो जो लड़के इनके पैसे दिलवाए. आप कह ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपको अगला प्रोजेक्ट भी यहीं से मिलना है. तो अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि जैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी एक तंजीम है, ठीक है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं एक्टर्स के लिए, वो सिर्फ इनकी अली वाली बात के वो सिर्फ उनके राइट्स को सिक्योर करते हैं. अब जो अदाकारों की तंजीम बनी है, अभी एक बनी है, तो उसमें भी वही प्रोड्यूसर्स हैं. ओके. अब अदाकार भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो वो कैसे हो सकेगा ये? और आप सोशल मीडिया, आप सब लोग देख रहे हैं, इंटरव्यू सब लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े अदाकारों का ये रोना है भाई. नुमान इजाज, नुमान भाई के बहुत सारे पैसे वायरल हुई थी, उनके तो करोड़ों रुपए फंसे, करोड़ों रुपए फंसे हैं उनके. ठीक है, मतलब हम किस गिनती में हैं, मतलब कि उनके, हम तो किसी गिनती में नहीं है. तो ये तो एक मसला है. दूसरा ये है कि हम क्या बोलें, हम प्रोडक्शन हाउस को बोलें हमारे पैसे दें, वो बोलेंगे कि हाँ फंड्स नहीं है. भाई कैसे फंड्स नहीं है भाई, चैनल से पैसे नहीं आ रहे, चैनल के पास पैसे नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है कि चैनल के पास पैसे नहीं है? अब तो यूट्यूब का ज़माना है, चैनल जितना आपने कमर्शियल से कमाता है उससे ज़्यादा वो यूट्यूब से कमा रहा है. और एक नहीं, कई कई मरतबा देखें, पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और रॉयल्टीज होती हैं, और वो होती ही इसीलिए कि एक मरतबा आपने एक फिल्म के अंदर काम कर लिया तो वो एक मरतबा जो बनेगी वो उसके पैसे सबको मिल गए. अगर वो 20 मरतबा सेल होगी तो 20 मरतबा सेल होने की सबको रॉयल्टीज मिलती हैं. जी, ठीक है. लेकिन हमारे यहाँ ये है कि अगर किसी ने पैसा लगा दिया वो एक मरतबा, वो भले उसे 40 मरतबा सेल कर दे, अरेबिक लैंग्वेज में उसे बनाए, टर्किश लैंग्वेज में उसे बनाए, वो सही वो ट्रांसलेट करे, पैसे सारे प्रोड्यूसर के पास आएंगे जिसके पैसे हैं. बाकी जितना आपका टेक्निकल क्राफ्टमैन है, आपका आर्टिस्टिक क्राफ्टमैन जो है,
वो इनके पास जो बेचारी हमारी लेबर है रॉयल्टीज उन तक भी जानी चाहिए लेकिन किसी तक रॉयल्टीज वगैरह नहीं है, इसलिए बाहर जो एक एक्टर अगर उसने काम करना छोड़ भी दिया है तो रॉयल्टीज के बेसिस के ऊपर वो सर्वाइव करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे तो बहुत ही कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। रॉयल्टीज हम लोगों को मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल रही हैं। इस पर बातें हर जगह हो रही हैं लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कोई कानून कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सब कह रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। और हमारी मरहूम नायला जाफरी वो भी आखिरी इंटरव्यू में यही कहते चली गई कि रॉयल्टीज होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और ऐसे कई अदाकार भी रॉयल्टीज भी हैं। और प्लस आप एक अच्छे एक्टर को और बुरे एक्टर को आप आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं? हमारी एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत बड़े टैलेंटेड भी होते हैं और वो आते हैं और चले भी जाते हैं, तो हमारी एक तो रॉयल्टीज़ का मसला है और प्लस आपका एक क्लासिफिकेशंस भी है हमारे यहाँ, ये ए लिस्ट है, ये बी लिस्ट है और ये सी लिस्ट है, तो उसका भी क्राइटेरिया अब तक हमने डिफाइन नहीं किया है कि अगर नुमान एजाज भाई हैं तो वो अपने एक्टिंग की वजह से वो ए लिस्ट के अंदर है या वो किसी और चीज़ की वजह से हैं। जो कि हमारे अंदर ये है कि भाई फैसल भाई हैं तो वो हैं और उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर है, वो अपने क्राफ्ट की बेस के ऊपर है और टैलेंट की बेस पर है, इसलिए वो उसके अंदर है। तो अभी हमारे यहाँ ये लिस्ट वाला जो सीन है, बी लिस्ट सी लिस्ट, अब उसमें आप क्या उस अदाकार की उस एक्टर का आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख के आप लिस्टिंग कर रहे हैं या उसका स्किल सेट, उसका क्राफ्ट या उसका एक्सपीरियंस देख के, जिस तरह दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर होता है कि जितना एक्सपीरियंस होता है पहले वो आपका एग्जीक्यूटिव होता है, मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर होता है, फिर वो आपका HOD होता है, फिर AVP होता है, इस तरह उसका एक हायरार्की है, तो उसमें आपकी क्लासिफिकेशन होती है। हमारे यहाँ भी क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो एक्सपीरियंस की बेस पर है, वो आपका क्राफ्ट की बेस पर है, या आप किस जगह से आ रहे हैं उसकी बेस पर है, या आपकी लैंग्वेज क्या है उसकी बेस पर है, आप किस गाड़ी में आ रहे हैं। ए लिस्टर का जो है ना वो अभी हमारे यहाँ अभी वही डिसाइड नहीं हुआ है कि ए लिस्टर कौन है, तो अभी तो फिर रॉयल्टीज अभी तो चीजें अभी बड़ी वैसी हैं। जैसे अभी दिलीप कुमार साहब का इंतकाल हुआ है तो वो कमोबेश 25 से 30 साल से वो अदाकारी नहीं कर रहे थे, लेकिन बुरे हाल में नहीं उनका इंतकाल हुआ, वो अच्छे वेल ऑफ थे, तो इसका मतलब है रॉयल्टीज बिल्कुल समान थी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ तक के अगर आप अच्छे अदाकार हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपने कुछ वक्त काम नहीं किया तो यहाँ पे ये भी है कि इससे पहले कि इसके रेट बढ़ जाएं इसको काम ना दिया जाए ताकि ये बैठा रहे, फिर जब कुछ अरसे बाद इसको दोबारा कास्ट करें तो इसके पैसे हम वहीं से ही स्टार्ट करें। आप तो अभी कुछ काम ही नहीं कर रहे, खुद ही आएगा वो, तो मतलब वो वाला है कि अजीब किस्म की ब्लैकमेलिंग है, अजीब किस्म का एक माहौल है जो बना हुआ है। मैं बीच में मैंने एक गैप लिया था, उसके बाद मैं उस दौरान मैंने एक चैनल से, हमारी एक दोस्त हैं प्रोडक्शन में थी वो, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, कौन से तुम लोगों के, ए क्लास में, बी में, सी में आता हूँ या किसी में नहीं आता हूँ, तो मेरी शक्ल देख रही थी और वो चुप हो गई और उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया बिकॉज मैं कहीं स्टैंड नहीं करता था। लेकिन उसी अगले ही साल मुझे एक ऐसा रोल मिला जिसमें मुझे फ़ौरन अवार्ड मिल गया, तो उस दिन जब मैं अवार्ड ले रहा था तो वो सामने खड़ी हुई थी और अवार्ड लेके मैं उसके सामने गया और मैंने कहा अब बताओ मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, तो फिर वो चुप हो गई हुई, तब भी उसके बाद जवाब नहीं था, तब भी जवाब नहीं था। तो आप देखें हम ऐसे माहौल में, यहाँ इंडस्ट्री बहुत सैचुरेटेड है, बहुत ही ऐसा माहौल, अच्छे लोग बहुत अच्छे लोग भी हैं, अच्छे भी हैं लेकिन वो भी मजबूर हैं। इनफैक्ट मुझे तो कभी कभार लगता है कि प्रोडक्शन हाउस वाले भी मजबूर हैं, वो क्या करें जब चैनल ऊपर से ही पैसे नहीं देगा, सही, तो क्या करेगा प्रोडक्शन, चैनल भी मजबूर है, चैनल को पीछे बाइंग हाउस से पैसे मिलते हैं, और फॉर एग्जांपल उनको क्लाइंट से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक ड्रामे में कास्ट हैं, हम चार लोग, ठीक है, और अली रिज़वी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं और बहुत ज्यादा वेल ऑफ हैं, चीजें हैं और इनकी चलती है, इनकी से है, मेरी इतनी नहीं चलती, तुम्हारी नहीं चलती, तुम्हारी थोड़ी बहुत चलती है, तो जब चैनल पैसा दे रहा है, ठीक है, तो इसको पहले पैसे मिलेंगे, ओके, हमारे पैसे रोक लिए जाएंगे बिकॉज ही इज इन्फ्लुएंशियल, बोलेगा भाई क्या हो गया, अपनी वो रखेगा, अपना चलाएगा, इसको पैसा मिलेगा, फिर उसके बाद इसको मिलेगा, फिर आपको मिलेगा, आखिर में उनको मिलेगा जो बेचारे कुछ कह नहीं पाते या जिनकी चलती नहीं है। हमने तो जिल्लतें उठाई हैं कि आप इतने बड़े हुए नहीं हैं कि आपकी बात मानी जाए। अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, हम इज्जत बेचने थोड़ी आए हैं, हम तो अपना आर्ट फन बेचने आए हैं। लेकिन कदर, हमारे मुल्क का ये मसला है कि हमारे मुल्क में
इस फील्ड में अदाकारों की और म्यूजिशियंस की और फ़नून लतीफ़ा से जो वाबस्ता हैं लोग, उनकी कोई कदर नहीं है। जब मर जाते हैं तो हर कोई बस तस्वीर लगा देगा, तस्वीर लगा देंगे हर कोई, यहाँ बिल्कुल ऐसी कोई कदर नहीं है। एक अजीब किस्म का मीडियोक्रिटी है। जीते जी ये वाला लेवल मैंने देखा भी है और सुना भी है कि सेट पे टेंट्रम्स होते हैं एक्टर्स के, जबरदस्ती के भरम होते हैं कि खाना फलाने ब्रांड से आएगा तो हिरन के पित्ते का गोश्त चाहिए, तो शुतुर मुर्ग का गोश्त चाहिए। ये वाले टेंट्रम्स भी बड़ा रोप पड़ता है कि भाई ये बड़ा एक्टर है, इसके नखरे बड़े ब्रांड का खाने का है ना। ये तो ऑब्वियस ही बात है, मैं अगर रिक्शे से उतर रहा हूँ, चाहे मैं बहुत अवॉर्डी ऑफ द एक्टर हूँ और मैं रिक्शे से उतर रहा हूँ, तो मुझ में और एक ऐसे जूनियर एक्टर में जो अभी एक दो दिन हुए आया है, लेकिन उसने बिल्ड विल्ड बनाई है, गोरा ये है वो फुल, और वो अपने पराठों से उतर रहा है और हाथ में चाबी भी है उसके, और पीछे चार गार्ड भी है, हिरन के पित्ते का गोश्त है, मतलब अभी कुछ किया नहीं है सही है, लेकिन वो उतना सेट पर ऐसा है कि वो और ब्रांडेड उसने कपड़े पहने हुए हैं और जो है वो आके बैठा है और वो उधर से ब्रांडेड चीजें बस देखते रहते हैं, ब्रांडेड चीजें मंगा रहे हैं, यही तो ही। तो उस अब बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने हमें भी ये कहा यार करो ना तुम लोग ऐसा, Why aren't you showing off? भाई मैंने कहा मैंने क्या इंजेक्शन लगवा लूं गोरे रंग के, क्या करूं होता नहीं है मुझसे, क्या करूं होता नहीं है मुझसे, मतलब इंजेक्शन लगवाऊं मैं क्या करूं मैं, अच्छा चलो मुंह यूं सीधा करके लाइन, वो जो पैसे नहीं यार वो फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाओ, मैंने कहा आप चाहते हैं कि मैं फॉलोअर्स के ऊपर पैसे खर्च करूं जो कि खरीदे जा सकते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि हम अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को मैं प्रोड्यूस कर लूं, सही ठीक है, वो पैसा जो मैं फॉलोअर्स पे लगाऊं और अपना वो करूं, तो वो पैसे हैं मेरे पास और वो एक ऐसे मुर्दार फॉलोअर्स पे पैसे लगाऊं जो जिंदा नहीं है, जो जानते भी नहीं है। अगर एक पोस्ट लगाओ 1 मिलियन फॉलोवर है तो 36 लाइक आए हुए होते मरे हुए मुर्दार बेजान इम्पोर्टेंट फॉलोवर जो कुछ नहीं कर सकते, तो उससे बेहतर ये पैसा जो है हम क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को प्रोड्यूस करने में लगाते हैं इसी में। तो इसमें एक अटेम्प्ट की भी है, एक फीचर फिल्म है मदारी के नाम से, राजो साले मुझे भी आपने एक्टर लिया उसमें, सब सब है, हम सब है उसके अंदर। तो इसीलिए वो जो पैसा है वो अगर किसी राइट चीज़ के ऊपर लग रहा है और वो और अगर उसका क्रिएटिव लैंडस्केप जो है और वो फाइनेंसिस के और आर्ट की फ्लरिशमेंट या फिर ट्रू क्राफ्टमैन की फ्लरिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो दूर तक है, तो वो पैसा फिर उस जगह इन्वेस्ट जो मुझे लगता है वो है। होना चाहिए था, और थोड़ी बहुत कोशिश की कि कोलैबोरेट करके उसको अपनी मदद आप उस प्रोजेक्ट को पुटअप किया जाए, जिस तरह और ये ऐसा है नहीं कि ऐसे एग्जांपल्स नहीं है, वेस्ट में यही एग्जांपल्स हैं जो इंडीज फिल्म मेकिंग है, इंडीज सिनेमा जो है जो काइंड ऑफ आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम सिनेमा में कन्वर्ट हो गया है वो ऐसे ही है, जिस तरह इंडिया में पहले होती थी वो आर्ट फिल्म्स हमारे बचपन में, अब वही फिल्में हैं लेकिन वो आर्ट फिल्म नहीं है, अब वो उनका कमर्शियल सिनेमा है, ठीक है, और वो सारा का सारा इंडी फिल्म मेकिंग इंडी फिल्म मेकर्स हैं, और वो इंडिया में एक ट्रांजिशन आ गई है, इंडिया का काम इसलिए भी अच्छा है क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रांजिशन आई है, एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे टैलेंट को पूरा ओपन हार्ट के साथ उन्हें वेलकम किया है, इसलिए अब वहाँ का हीरो पंकज त्रिपाठी है, बिल्कुल मिमी आपके अंदर है, तो वो आप उसे देख के अच्छा ये है तो सब सिनेमा जाएंगे, तो वहाँ पे पैराडाइम वहाँ पे पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, और वो सिर्फ एक ही वजह से है कि अगर आप अच्छे एक्टर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे राइटर हैं और आप 3 घंटे के लिए इंगेज करने के लिए एबिलिटी रखते हैं तो आप हीरो हैं, तो आप हीरो हैं, आपको आप किसी शक्ल देख के आप 3 मिनट के लिए वो पुल स्ट्रेटेजी है 3 मिनट के लिए तो आप होल्ड कर लेंगे, लेकिन 2 घंटे के लिए पूरी ऑडियंस को बिठाना थ्रू योर परफॉर्मेंस, इसके लिए क्राफ्ट चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब ये हो गई सीरियस बात, एक सवाल मेरी भी है दिमाग में, सवाल क्या है, एक चीज़ है अपनी जिंदगी का, थिएटर हो या टीवी हो, कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आज तक याद है और जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो, उसका कोई ऐसा जुमला, थिएटर में तो हमें बड़े जुमले मिलते हैं मुश्किल भी जो हम फंसते भी हैं लेकिन जब हम डिलीवर करते हैं बड़ा मज़ा आता है, कोई एक कैरेक्टर बताएं कौन सा है वो कैरेक्टर या उसकी कोई एक ऐसा जुमला या मोनोलॉग, तो मैं सुनना चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा, आप अपना बताएं मेरी तरफ क्या देखिए ये तो नहीं बहुत काम किया याद करना पड़ जाए नहीं नहीं मेरे तो कम अज़ कम जितने भी मैंने किरदार किए हैं वो सब जब करने से पहले मेरी जान पे आई हुई होती है और मैं अल्लाह से यही दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला बस इज्जत रख, और मैं अल्लाह से कहता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, बस तू इज्जत रखने वाला है, आखिरी वक्त तक मैं डरा हुआ होता हूँ। सही तैयारी करते हैं, तकरीबन सारे किरदार करीब हैं, लेकिन एक किरदार जो मुझे हमेशा याद रहता है वो मैंने ज़िया मुहीद्दीन साहब की डायरेक्शन में किया था सफ़ेद खून के नाम से, जिसमें मैंने बैरम का किरदार किया, फिर बाद में उन्होंने
उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन खालिद अहमद साहब ने किया किंग लियर का, उसमें एडमंड का रोल मुझे दिया था, तो वो किरदार मुझे हमेशा बहुत ही तो मुश्किल भी था और वो याद रहता है। तो उसमें वो डायलॉग था कि फितरत की देवी मैं सिर्फ तेरा पुजारी हूँ और अगर मानता हूँ तो सिर्फ तेरे कानून को, इंसानों के रस्म व रिवाज पर क्यों ध्यान दूँ और क्यों इजाज़त दूँ भेदभाव के इस झूठे निज़ाम को जो मुझको कमतर ठहरा है, सिर्फ इसलिए कि मैं बड़े भाई से दो चार चांद बाद पैदा हुआ, ना जायज़ क्यों हकीर क्यों कर, मेरा हुलिया उतना ही सच्चा, मेरा जहन उतना ही दूरस जितना किसी भी ब्याही माँ का लाल, तो फिर ताने क्यों, ना जायज़ दोगला हराम की औलाद वगैरह वगैरह, हरामी हरामी हरामी। हाँ तो मैं समझा शायद आप सेंसर ना कर नहीं हमें याद नहीं है अली भाई आपने गालियां दें बकौल उस्ताद जी के गालियों में तो रिदम है मतलब ये एक गालियों में तो रिदम है गालियों में तो रिदम है ये भी उसमें था कि ये भी दुनिया का अजीब मस्खरापन है कि जब हालात बिगड़ते हैं और अपने करतूत से बिगड़ते हैं तो हम जमीन व आसमान की गर्दिश को इल्ज़ाम देने लगते हैं, जैसा कि हमसे सारी बेहूदगियाँ सारी जलालतें सारे हरामी बन चांद सितारों की गर्दिश पे किए गए होंगे, और ऐसा आगे मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ बदकारी इसलिए की क्योंकि दुमदार सितारे की जद में आ गया था, चुनाचे ये साबित हुआ कि कमीना और बदमाश होना मेरा वतीरा है। क्या बकवास है, ये लाजमी ऑडियंस अगर देखेगी ना बार बार देखेगी समझेगी बोला। और इसमें फिर आगा हशर का अलग राइमिक था कि कीना धोखा यारी मक्कारी इन्हीं सब चीजों का नाम है दुनियादारी, सूरत में नूर सीरत में नार मुंह पे प्यार बगल में तलवार, यही है वो चलते हुए औजार जिनसे बेवकूफ लोग डरते हैं और अकलमंद अपने हरीफों की धज्जियां करते हैं। अली भाई आपका कोई कैरेक्टर जो याद जिस कैरेक्टर को मैं याद करता हूँ वो है इंतजार हुसैन साहब का प्ले था ख्वाबों के मुसाफिर, ख्वाबों के मुसाफिर, ख्वाबों के मुसाफिर, और उसमें था इफ़ो का किरदार। हाँ। इफ़ो इंतजार हुसैन साहब ने वो पोस्ट आपका जो पार्टीशन वाला जो टाइम था उसमें एक फैमिली वहाँ से यहाँ के बसी है तो उनकी अपनी कस्म बुरसी है, उनके अपने हालात है, उनकी अपनी तकलीफें, उनकी अपनी अलग सफरिंग्स हैं, तो उन्हीं उसी घर के अंदर एक ऐसा बच्चा है जो कि यतीम है और कुछ करता कराता है नहीं, लेकिन चूंकि आप एक कहीं से उठ कर आए हैं वहाँ पे होंगी आपकी हवेलियाँ, लेकिन यहाँ पर आपके पास सिर्फ छोटे छोटे पिलान्स हैं, पिलान्स हैं आपके, तो वो उसके प्लान्स थे वो हमेशा फेल होते थे, और दूसरा ये कि उसके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, तमाम चीज़ें थी। वो एक मैंने अपनी तरफ से जो मैंने अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा मैंने जितना किया है या लाइफ का एक्सपोजर मुझे जितना था और उनमें से जितने लोगों को मैंने देखा उनमें से एक किरदार मैंने उठा लिया था। तो रिहर्सल्स करते करते ज़िया साहब अपनी बातें भी समझा रहे थे और अपनी डायरेक्शन भी वो दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये एक एहसास ज़रूर बीच में था कि मुझे ये लग रहा है कि ज़िया साहब डायरेक्ट तो कर रहे हैं समझा भी रहे हैं लेकिन उनके जहन में ये बात ज़रूर है कि ये कुछ और भी हो सकता था, शायद इन्हें पसंद नहीं आ रहा या ये मेरे इस इंटरप्रिटेशन से सहमत नहीं है वो। तो खैर फिर और इसी और इस उलझन में मैं पूरे रिहर्सल भर रहा मैं, फिर परफॉर्मेंसेज हुई उसकी, जब परफॉर्मेंसेज हुई एक मरतबा परफॉर्म किया दूसरे दिन परफॉर्म किया, जब पूरा प्ले मैंने परफॉर्म कर लिया, और मज़े की बात यह कि इंतज़ार हुसैन साहब आए थे ये खुद प्ले देखने के लिए, उन्होंने फिर एक जुमला बोला, फिर उसके बाद हमारे बैचमेट हैं अकबर इस्लाम साहब, अकबर इस्लाम साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि तुझे एक मज़े की बात बताऊं, मैंने कहा क्या, कहते हैं ज़िया साहब ने मुझे एक दिन रूम में बुलाया और कहा कि शायद इफ़ो जो है यही हो सकता था। बड़ी चीज़। तो मैंने कहा वाकई में, कहें कि हाँ हाँ, मैंने कहा यही हो सकता था, वो सही किया उसने, मैंने कहा ये है अचीवमेंट, वो मोमेंट जो होता है ना, हाँ, बहुत ये है अचीवमेंट। तीन वर्ड बोलूंगा बारी बारी जो दिमाग में आता, एक गैस से तीन बोलूंगा, एक गैस से तीन, ठीक है, तो जो दिमाग में आएगा आपने बोलना है, ठीक है, ओके। ज़िया मुहिद्दीन साहब मेंटोर, संगे मरमर तोरा खान, ठीक है, नापा जिंदगी, अली भाई से छुपन छुपाई प्रोजेक्ट, परफ्यूम चौक, पहली सीढ़ी, पारस मसरूर, सच्चाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पारस भाई।
शादी हो गई हो गई। तो नाज़रीन, सिनेमा घर की एक आविश, एक नई कोशिश शुरू हुई है और जिसमें इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। तो बस वही रिवायती चंद जुमले कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। कॉपी पेस्ट चले, एपिसोड निकाल लिया भाई। कॉपी पेस्ट निकाल गया, खाना आ गया। अरे खाने में टूटते हुए दिखाते ना भाई, बड़ा मुश्किल होता है काम।